शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। मैं थोड़ा सा रीसेंट अपना सत्संग सुनाऊंगी, देन आई विल स्टार्ट माय जर्नी। 2008 में मैंने बड़े मंदिर में अपना सत्संग सुनाया था, एंड आज मुझे 2020 में फिर मौका दिया। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड टुडे, सो थैंक यू गुरु जी। एंड 15 साल में मैंने इतने सत्संग नहीं सुने जितने गुरुजी ने मेरे को लास्ट 5 महीने में सत्संग सुना दिए। मुझे हमेशा लगता था कि मुझे वर्चुअल सत्संग का कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था जो भी गुरुजी की शरण में है लाइक एवरीबडी इज ब्लेस्ड, तो मैं सत्संग इतना सुनती नहीं थी। बट इन अ मंथ ऑफ लेट अप्रैल एंड मई 2020 लॉकडाउन में मैं ऐसे ही अपना फोन ब्राउज कर रही थी, सत्संग चल रहे थे, और मेरा फोन स्टॉप हो गया और वो सत्संग चल रहा था भाटिया अंकल का। एंड मैं अपने फोन को कुछ कर नहीं पाई, ना ही स्टॉप हो रहा था, ना ही आगे ब्राउज हो रहा था, बट वो अंकल का सत्संग मेरे कानों में पड़ रहा था और मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा लगता है सत्संग, ऐसे वर्चुअल सत्संग भी सुनना। एंड वहां से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाने का सुनने का स्टार्ट करवाया, एंड आई गॉट एडिक्टेड। मैं दिन रात वॉक करते हुए जब भी मुझे मौका मिलता था मैं सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनवाए। एंड उसके बाद रिसेंटली मेरी मॉम पाल आंटी ने कहा कि तुम भी अपना सत्संग सुनाओ, तो मेरी थोड़ी सी मम्मी से लड़ाई हो गई कि मैं नहीं सुना सकती क्योंकि आई एम वेरी शाय, वेरी नर्वस, गुरुजी का सत्संग सुनाना इज नॉट इजी, तो आप सुनाते हो, आप ही मेरे बिहाफ पे सुना दो। बट मेरी मम्मी मुझे फोर्स कर रही थी कि नहीं तुम भी सुनाओ, बट एनीवेज मैंने नहीं सुना। एंड वन डे व्हेन आई वाज मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उषा आंटी का सत्संग आ रहा था और उनके वर्ड्स ही आ रहे थे सत्संग सुनना, सुनने में और सुनाने में लाइक जो भी सुनता है दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। सो आई सेड गुरुजी ओके, ये मेरी इंडिकेशन है कि मुझे सत्संग सुनाना है, सो थैंक यू सो मच। इतने गुरुजी ने सत्संग सुनाए एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, सो आई स्टार्ट माय जर्नी। अराउंड 2001 में हमें गुरुजी के पास जाने का मौका मिला। मैं अपनी मम्मी के साथ सबसे पहले गई थी, पाल आंटी के साथ, एंड आई वाज इन अर्ली 20s। जब फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के वहां एम्पायर स्टेट में एंटर करे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता था कि ये दुनिया दिल्ली में कहां से आ गई, मतलब दिल्ली में दिल्ली में ऐसी दुनिया है भी, इतना सुंदर एम्पायर स्टेट, गुरुजी का मंदिर इतना सुंदर, इतनी खुशबू। और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा, गुरुजी लाल चोले में इतने ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी में वो आ रहे थे, तो मुझे लगा कि ऐसे गुरु होते हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। और मैं वहां बैठी, गुरुजी देख रहे थे, लाइक इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू गुरुजी को स्टेयर करना, क्योंकि इतना नूर था गुरुजी में, इतने सुंदर कि आप उनको देख नहीं पाते थे। ऐसी हमारी जर्नी चली। देन मेरे पापा के थ्रू लाइक बेसिकली द स्टार्टेड जर्नी, मेरे पापा पाल अंकल भी आए, हमें पूरी फैमिली के साथ हम आते थे, माय मॉम डैड मैं और मेरा ब्रदर। एंड मेरे पापा की यूजुअली बात होती थी गुरुजी से ऑन एंड ऑफ, एंड वन डे गुरुजी ने पापा को बोला, हम सारे ही वहां खड़े थे, कि तेरा एडमिशन हो गया। एंड तब हमें नहीं पता था कि ये वर्ड, ये गोल्डन वर्ड्स होते हैं, कि उसका मीनिंग क्या होता है। देन बाहर जो संगत अंकल खड़े थे, सेवादार अंकल, उन्होंने बोला कि ये गोल्डन वर्ड्स गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो थैंक यू गुरुजी। ऐसे हमारी जर्नी चलती गई। एंड गुरुजी हमेशा मुझे
चरण छूने का मौका देते थे, मतलब ही यूज्ड टू लव मी सो मच. बट अब थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही थी, अब मन करता था कि गुरुजी के चरण थोड़ा आराम से छूं, फील करूं कि गुरुजी के चरण सॉफ्ट है कि हार्ड है. एक अंदर से एक मन करता था कि गुरुजी के चरण आराम से छूं. तो एक दिन जब गुरुजी यूज्ड टू गिव हलवा प्रसाद अपने हाथ से देते थे, जब गुरुजी मुझे हलवा प्रसाद दे रहे थे, तो वो हलवा प्रसाद आई थिंक आप सबको पता है कि रेयरली कभी भी गुरुजी के हाथ से कोई प्रसाद नहीं गिरता नीचे. गुरुजी कितने लाखों संगत को देते थे, बट उस दिन जब वो मेरे हाथ में डाल रहे थे तो वो हलवा प्रसाद नीचे गिर गया उनके चरणों पे, तो आधा चरणों पे और आधा कारपेट पे. तो गुरुजी ने पीछे जो संगत थी उनको साइड से किया और गुरुजी अपना सबको प्रसाद बांट रहे थे. बट मुझे गुरुजी ने पूरा मौका दिया कि मैं हलवा प्रसाद उठाऊं, और जब मैं उठा रही थी तो मैं गुरुजी के चरण भी छू रही थी. और मैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे क्या फीलिंग हो रही थी, कि गुरुजी बीच में मुझे देख के मुस्कुरा भी रहे थे. जब हलवा प्रसाद नीचे गिरा तो गुरुजी ने सॉरी बोला, बट मैंने गुरुजी को, गुरुजी आप नहीं बोलो सॉरी, ये तो मेरी गलती है. लाइक वो सिर्फ एक सेकंड्स के वर्ड्स थे, एंड बट मुझे तो सबसे बड़ा मौका मिला कि मैं गुरुजी के चरण आराम आराम से छू रही थी, और आराम मैंने अपना पूरा टाइम लिया हलवा प्रसाद को उठाने का. तो ये सारी चीजें, गुरुजी को तो पता है आपके मन में क्या चल रहा है. एंड व्हेन हम अपनी फैमिली के साथ गुरुजी के पास जाते थे, चारों दिन जाते थे, फिर गुरुजी ने दो दिन करा, एंड देन फाइनली गुरुजी ने हमारा फ्राइडे फिक्स किया कि हम फ्राइडे को आए अपनी फैमिली के साथ. एंड अराउंड 2005 के पास, बिफोर गुरुजी मुझे दर्शन में लहंगा दिखाते थे, और जब मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा था 2001 में, गुरुजी ने लाल चोले एम्ब्रॉयडरी में अपना चोला पहना होता, तो मुझे लगता था कि मेरा लहंगा ऐसा हो, एक मन में था बट मैं भूल गई उस चीज को. बट ये भी था कि अरे मैं इतना क्यों सोचती हूँ, तो बहुत महंगा होगा. एंड आई वॉज वेरी कॉन्जर्वेटिव एंड कंसर्न्ड अबाउट कि मैं अपने मम्मी पापा के पैसे ज्यादा नहीं खर्च करूं. तो एंड 2005 में जब मेरा रिश्ता आया, मैं अभी कैलिफोर्निया में रहती हूँ, और बाहर से रिश्ता आया तो इट वॉज थ्रू द रिलेटिव्स के थ्रू, मेरी मासी के रिलेटिव्स के थ्रू. मेरी मासी भी शिकागो में रहती है, नीरू आंटी एंड सुमन आंटी. तो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था, मेरा कोई प्लान नहीं था. मुझे बस ये था कि एक बार घूमने को मिल जाए, बाकी सेटल और यहाँ के रहने का कोई प्लान नहीं था. बट मेरे पापा ने गुरुजी को फोटो दिखाई, उसका नाम विक्रम है, एंड गुरुजी ने कहा कि कर दे ब्याह. एंड मेरे पापा को लगा कि शायद गुरुजी को ना पता नहीं है कि ये लड़का बाहर रहता है, तो पापा ने बोला कि पाल अंकल ने कि गुरुजी ऐसे बाहर का मुंडा है, तो गुरुजी ने बोला कि कर दे ब्याह. अब गुरुजी ने बोला तो नो क्वेश्चंस, हमने बिना कुछ वो करे एंड स्टार्टेड टॉकिंग एंड रिश्ता हो गया. एंड ये मेरी शादी गुरुजी ने सब कुछ 13 डेज में करा दी. सो इतनी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, खुद को ही नहीं मुझे पता चल रहा था कि मेरी शादी है, बट इतने अच्छे से गुरुजी ने शादी कराई, लाइक एवरीथिंग वॉज परफेक्ट इन 13 डेज. कुछ रिश्तेदार वगैरह उन्होंने भी बोला कि बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी सब कुछ तुमने सेट कर लिया, ये तो सब गुरुजी की कृपा थी. एंड मैं अपना शादी का कार्ड खुद गुरुजी को देने गई थी 3-4 दिन पहले ही शादी से, एंड गुरुजी ने उन मेमों से भी निकाल दिया कि यू नो शादी से पहले लड़की बाहर नहीं निकलती. सो मैं अपना कार्ड देने गई गुरुजी को, एम्बैरेस्ड, एंड गुरुजी बहुत खुश हुए.
और सबको बोल रहे थे कि ये कुड़ी दा व्याह है, बड़ी चंगी कुड़ी है, एंड सबको बोल रहे थे इसका इसकी शादी है। एंड मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो रही थी, ओवरवेलमिंग भी हो रहा था, बट गुरु जी के सामने तो आप कुछ नहीं बोल सकते। एंड मेरे हस्बैंड 14 डेज में अमेरिका चले गए थे, और मैं शादी के बाद इंडिया में ही थी। हमें पता था कि विद इन 6 मंथ्स मेरे पेपर्स हो जाएंगे एंड आई विल गो टू अमेरिका, बट 6 मंथ्स बीत गए, अभी पेपर्स का कोई जवाब ही नहीं था। एंड अब थोड़ा सा एंजाइटी बढ़नी शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। एंड आसपास रिश्तेदार नेबर्स ने भी बोलना शुरू कर दिया कि ये अभी कहीं नहीं अमेरिका, और कईयों ने तो ये भी बोला कि कहीं लड़का तो नहीं भाग गया। ऑल दोस थिंग्स आप सबको पता है कि इंडिया में ये बातें होती हैं, हो जाती हैं। वो ये सब सुनते हुए मैंने अब लोगों से बात करनी छोड़ दी, क्योंकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। एंड बट जब मैं गुरुजी के मंदिर जाती थी तो अब गुरुजी ने भी बोलना शुरू करा कि तू गई नहीं, ऐ गई नहीं, ऐ कदों जा रही है। तो मुझे लगता था कि मुझे शायद गुरुजी ना कंफ्यूज हो गया है, वो मुझे किसी और से लिंक कर रहे हैं। गुरुजी को पता है ना कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, पेपर्स बनते हैं। तो जब भी गुरुजी मुझे बोलते थे ऐ गई नहीं, फिर आ गई है, तो मेरे पापा पाल अंकल गुरुजी को बोलते थे पेपर्स की कोई बात होती थी वेरी इन सेकेंड्स, और गुरुजी कहते थे चलो बैठ जाओ। और मेरे मन में हमेशा ये होता कि शायद गुरुजी मुझे किसी और से लिंक कर रहे हैं, गुरुजी कंफ्यूज हो गए हैं। इतनी संगत आती है तो गुरुजी भी कंफ्यूज हो सकते हैं। बट हम लोगों को पता नहीं है ना कि गुरुजी, ये तो बहुत लेट पता चला कि वो भगवान है। ये तो पता चल गया था, गुरुजी ने बता दिया था कि वो महापुरुष है। अब मेरी आंखों को ये पता चल गया था कि इस महापुरुष, बट ये नहीं था पता कि वो तो हम भगवान के पास बैठे हैं। एंड फाइनली इन 13 मंथ्स मेरे पेपर आ गए, एंड गुरुजी ब्लेस्ड दिस काइंड ऑफ 13 नंबर। मेरी शादी 13 दिन में हुई, मेरी शादी 13 मार्च को हुई, मैं 13 मंथ्स में गई, और मेरे घर का नंबर 13, मेरा बेटा भी 2013 में पैदा हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ही ब्लेस्ड अस दिस 13 नंबर, 13 ही 13। सो थैंक यू गुरुजी। जब मेरे पेपर्स आ गए 2006 में, उससे 1 महीना पहले ही हमने, गुरुजी ने मुझे डेट दे दी थी कि किस दिन मुझे अमेरिका जाना है, तो हमने डेट अपनी बुक कर ली थी। बट अभी मेरा वीजा नहीं आया था, पासपोर्ट भी कुछ नहीं आया था, तो बट गुरुजी ने जो डेट दी थी हमने अपनी टिकट बुक कर ली 16 अप्रैल 2006 की, और मेरा वीजा 11 अप्रैल को लगा 2006 को। एंड इन बिटवीन बैसाखी थी 13 अप्रैल की, और वो फर्स्ट टाइम था जिसमें मंदिर में, बड़े मंदिर में पर्ची निकली थी कि इस बार पर्चियां डलेंगी और 7 आंटियों का नाम निकलेगा जो गुरुजी की आरती करेंगी। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम मेरा नाम निकला उस पर्ची में, और मैंने गुरुजी की आरती करी। मैं आई कैन से कि कैसा मुझे फील, लाइक मैं तो गुरुजी को देख ही नहीं पा आती थी, इतना उनका नूर होता था, बट उनकी खुशबू ही इतनी अट्रैक्ट करती थी मेरे को। गुरुजी के मंदिर में सबसे, जब मैं अर्ली 20s में जाना शुरू किया था, इतना तो नहीं पता था, बट ये पता था कि मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह किसी के पास नहीं जाती थी, मुझे तो एक मंदिर जाने की अट्रैक्शन होती थी। गुरु जी की खुशबू, उनको देखना, चाय पीना, हलवा खाना, बस इसी से ही मैं सेटिस्फाई रहती थी। एंड ऐसा लगता था ये तो दुनिया ही बहुत अच्छी है। फ्राइडे का वेट होता था, जब फ्राइडे को जाते थे तो अगले फ्राइडे का वेट पहले से ही शुरू हो जाता था। इट वॉज वेरी गोल्डन डेज, बहुत मजा आता था। एंड 16 अप्रैल को मेरी टिकट थी, और मेरा पासपोर्ट आया ही नहीं था अभी,
और गुरु जी ने 13 अप्रैल को आरती करवा के मेरे वो भी कष्ट काटे। एंड जिस दिन मेरी फ्लाइट थी 16 अप्रैल को, उसी दिन हम सुबह भाग रहे थे मेरा पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह कुछ गुमा नहीं था, बट इट वॉज डिलेड। एंड मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरा पासपोर्ट तो आया ही नहीं। एंड देन गुरु जी सेड टू मी, दफा हो जा। एक्चुअली ही वॉज वो मेरे कष्टों को वो काट रहे थे। एंड देन फाइनली भाग भाग के उसी दिन आफ्टरनून में मेरा पासपोर्ट आया, एंड रात को मैं फ्लाइट चल पड़ी। सो ये तो गुरु जी को पता है, वो डेट भी चेंज करा सकते थे, 1 महीना मुझे और डिले करा सकते थे, बट ही नोज द टाइमिंग्स, ही नोज द डेट्स। एंड अमेरिका जाने से पहले मैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गुरु जी का स्वरूप और शिव पुराण दिया कि आप ये गुरु जी से ब्लेस करवा के लेके जाओ। तो अब बैग इतना बड़ा था कि मुझे लगा कि शायद मेरे मम्मी पापा को कुछ हो गया है। गुरु जी के दर्शन तो क्विकली सारे मत्था टेक के जाते हैं, और इन्होंने इतना बड़ा बैग मुझे दे दिया है, इन सब पे मुझे गुरु जी के मतलब साइन करवाना है या ब्लेस करवाना है। तो मुझे लगा ये बैग कोने में कहीं रख दूंगी और मम्मी पापा को कहूंगी हाँ गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। गुरु जी को तो सब कुछ पता होता है। वो मैंने बैग संगत जी अपने पीछे रखा और गुरु जी को मत्था टेका, और गुरु जी ने कहा कि ले आ फकीर ले आई है। और मैंने अब डर डर के अपने बैग से एक एक स्वरूप गुरु जी को दिया, शिव पुराण दिया। गुरु जी ने बहुत आराम से उस पे साइन किया अपने, और मुझे वो अपना वी कॉल इट एज खजाना दिया, एंड पूरी अपनी ब्लेसिंग्स दी। एंड इन बिटवीन मेरे पापा गुरु जी से बात करते रहते थे, पाल अंकल। एंड पापा यूजली मेरे बारे में बात करते थे। उसी बीच में मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगी, 2005 में जब मेरी शादी के बाद इन बिटवीन मुझे बहुत ही खराब एक खांसी हुई, लाइक इट वाज फॉर 3-4 मंथ्स। कुछ नहीं पता था क्या हुआ, हम डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे थे। एंड वन डे मेरे पापा ने बोला तो गुरु जी ने कि बेटी को खांसी होती है, तो गुरु जी ने बड़े आराम से पापा को समझाया कि तू अदरक और शहद को मिक्स करके इसको 1 हफ्ता पिला और ये ठीक हो जाएगी, इसको कुछ नहीं है। बट अब भूल गए हम, मुझे तो नहीं पता था, एक दो बार पिया खांसी ठीक नहीं हुई तो फिर डॉक्टर्स के चक्कर काटे। एंड फाइनली जो गुरु जी ने वो रेमेडी दी थी हमने फॉलो की और मेरी खांसी उड़ गई। बट मेरी खांसी तो उड़ गई, गुरु जी को वो खांसी लग गई। आप सबको पता है कि गुरु जी अपने ऊपर ले लेते थे। एंड गुरु जी हमेशा कहते थे मुझे कुछ नहीं है, बट आई एम श्योर देयर वाज समथिंग जो उन्होंने अपने ऊपर सारा ले लिया था। एंड गुरु जी यूज टू काफ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि गुरु जी खांसी करते हैं, बट आई थिंक ये तो गुरु जी वेज। एंड मेरे पापा यूजली मेरे बारे में बात करते थे कि मेरी बेटी एंड समथिंग। एंड गुरु जी यूज टू से कि मेरे पापा को तो हमेशा अपनी बेटी बेटी करता रहता है, मेरी कुछ नहीं लगती, एंड मैं अमेरिका छड़ के आवांगा। सो संगत जी मैं दिल्ली से कभी भी अकेले बाहर नहीं निकली, हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने ब्रदर के साथ ही गई हूँ। कभी अकेले ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किया, तो एयरप्लेन तो बिल्कुल दूर की बात है। और मैंने फर्स्ट टाइम 2006 में जब गुरुजी ने मुझे अमेरिका भेजा, मैंने अकेले ट्रैवल किया। खुशी भी थी दुख भी था कि मैं जा रही हूँ अमेरिका, खुशी थी बट दुख था कि मैं गुरुजी से दूर जा रही हूँ। और कहीं ना कहीं मन में था कि गुरुजी आपने मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया, बट एनीवेज गुरुजी नोस। तो सॉरी संगत जी अगर मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो तो आई एम सॉरी, आई एम लिटिल इमोशनल।
जब मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में घुसी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई चल रहा है, और मैं प्लेन में बैठी ऐसा पूरा फील हो रहा था कि somebody is walking with me, somebody is sitting with me. और तभी प्लेन में मेरे हस्बैंड का फ्रेंड मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि आप अमूल्या हो? तो मैंने कहा हाँ जी. तो उन्होंने कहा कि मैं आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ, विक्रम का फ्रेंड हूँ. तो मैंने कहा वाओ, स्मॉल वर्ल्ड, आपने मुझे कैसे पहचाना? उन्होंने कहा मैंने आपकी शादी की पिक्चर देखी थी. अब शादी की पिक्चर और रियल पिक्चर में आई एम श्योर आप सबको पता है कि बहुत डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ मेकअप. बट गुरुजी ने मिलवाना था उनको, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को, तो वो मिले. एंड जब मैं सैन फ्रांसिस्को लैंड हुई तो उससे पहले मेरा बैग का हैंडल टूट गया था. एंड गुरुजी ने कि मुझे बड़ी खज्जल खुआरी होगी, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी. तो तभी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को भेजा, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा सामान उठाऊंगा, सो इट्स फाइन. मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी, हम सैन फ्रांसिस्को में पहुंच गए. उन्होंने मुझे फटाफट एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया क्योंकि ही इज लाइक अ रेगुलर ट्रैवलर, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. एंड मेरे हस्बैंड घर से लेट चल रहे थे और गुरुजी को पता था कि मैं वहां एयरपोर्ट पे अकेली बैठूंगी, डर भी जाऊंगी. तो ऐसे मेरे फ्रेंड हस्बैंड के फ्रेंड को भेजा और मेरा उन पूरा टाइम पास हुआ. एंड बाय द टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे. एंड गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को बोल भी दिया था कि तेरी कुड़ी नो अमेरिका पहुंचा देता. सो द जर्नी वॉज सो ब्यूटिफुल. जो फर्स्ट जर्नी गुरुजी ने भेजा मुझे, बिल्कुल मेरे साथ साथ चले, मुझे अमेरिका छोड़ के आए. एंड आई लैंडेड विद गुरुजी कृपा. उसके बाद हमारी जर्नी चलती गई. मेरी फर्स्ट जॉब अमेरिका में लगी इन 2006, 3-4 महीने के बाद ही लग गई थी. एंड हमने गुरुजी को बोला, मेरे पापा ने, कि गुरुजी लाइक वी सेंड समथिंग फॉर गुरुजी कि बेटी की जॉब लग गई, सो थैंक यू सो मच. एंड गुरुजी ने बोला कि इससे भी चंगी लगेगी. तो मुझे लगा कि मे बी मेरी उस जॉब में प्रमोशन हो जाएगी या मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, समथिंग जो हमारी सोच है. बट मैं तो 1 महीने के बाद ले ऑफ हो गई. एंड आई स्टार्टेड अगेन क्राइंग कि मैंने बोला कि गुरुजी को बात करो, मैं तो ले ऑफ हो गई. एंड फिर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी. आई स्टार्टेड डूइंग सम कोर्सेज हियर. वो भी गुरुजी की कृपा से मुझे स्टाइपेंड मिला. यूजली जो मेरे कोर्सेज यहाँ पर है उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता, आई हैव टू पे द मनी. बट वो एक ही कोर्स ऐसा था जिसमें सिर्फ स्टाइपेंड मिलता था. उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया था, वो कभी नहीं निकला. एंड मेरी फिर जॉब लगी एंड विद गुरुजी कृपा आई वाज हैप्पी. इसी बीच में गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ दिया था. तो मैं जब 2006 में आई थी तो मैं ये सोच के आई थी अब मैं आऊंगी, गुरुजी से मिलूंगी. बट वो मौका ही नहीं मिला. तो एंड देन आई केम इन 2008 टू इंडिया एंड दैट्स व्हेन मैंने बड़े मंदिर में अपना सत्संग सुनाया. सो कमिंग बैक टू अमेरिका, मेरे जॉब वगैरह अच्छे से लग गई. एंड यहाँ पर मैंने इंडिया में बहुत ड्राइविंग करी है, बट जब मैंने यहाँ पर अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया तो समहाउ मेरा कैंसल हो रहा था. कमेंट्स ये आ रहे थे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस हूँ अपने ड्राइविंग में, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं कहाँ गलती करती हूँ. एंड देयर इज ओनली 3 अटेम्प्ट्स, उसके बाद देन यू हैव टू अगेन डू द रिटन टेस्ट एंड ऑल दोस प्रोसेस.
बट अगर मैंने फिर गुरु जी को बोला कि गुरु जी दिस इज माई थर्ड अटेम्प्ट, इसमें मुझे चाहिए लाइसेंस, नहीं तो मुझे जॉब में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आई कैन नॉट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इट्स फार एंड ऑल दोस. सो मेरे थर्ड अटेम्प्ट में जब मैं यहाँ पर अमेरिका में इसको DMV बोलते हैं, मैं लाइसेंस वाली जगह पे गई तो मैं ऐसे खड़ी थी, सोच रही थी कि गुरुजी आज मेरा लाइसेंस क्लियर करवा देना. तो सडनली एक अंकल मेरे साथ आके खड़े हो गए, इंडियन अंकल. एंड जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा आप इंडिया से हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी. तो मैं ऐसे ही उनसे बात करना शुरू किया कि आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट है और मुझे आज बहुत डर लग रहा है. तो उन्होंने कहा ओ मैं तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ. तो मैंने कहा ओ आप इंस्ट्रक्टर हो, पहले मुझे मिल जाते तो मैं आप ही से सीख लेती. तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तुम मुझे $100 दे दो, मैं तुम्हें क्विकली सिखा देता हूँ. अभी तुम्हारे टेस्ट में 1 घंटा है, मैं तुम्हें फटाफट ट्रेन कर देता हूँ. तो मैंने कहा ओके, और मैं उनके साथ चली गई अंकल के साथ. उन्होंने मुझे वो पूरा रास्ता दिखा दिया जहां से इंस्ट्रक्टर लेके जाती है, और उन्होंने मुझे कहा कि इस जगह पे तुम गलती करोगी तो इसको तुम ऐसे फिक्स करो. तो मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ गलती करूंगी? तो कहते आप फटाफट ना अपना ड्राइविंग करो क्योंकि आपका टेस्ट आने वाला है. और इन बिटवीन उन अंकल ने कहा कि पास हो गई तू आज. तो मैंने कहा थैंक यू अंकल, फिर मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी जैसे हम बात करते हैं. और हम दोबारा से ड्राइविंग स्कूल मतलब वहां चले गए. एंड मैंने अंकल का फोन नंबर और सब कुछ ले लिया और अंकल को कहा आप 1 मिनट वेट करो, मैं गाड़ी से आपके लिए चेक लेकर आती हूँ $100 का. और जब मैं गाड़ी में गई और अंकल के लिए चेक लेके आई तो तब तक अंकल डिसअपीयर हो चुके थे. तो मुझे लगा वाह ये तो बिना पैसे लिए ही चले गए, तब तो बड़ा अच्छा लगा. बट बाद में सोचा कि कोई नहीं, अंकल को घर से जाके फोन कर दूंगी, उनको पैसे मैं उनके घर ड्रॉप कर दूंगी. एंड मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आई, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया. एंड श्योर इनफ जहां पर मैंने गलती करनी थी वो अंकल ऑलरेडी मुझे बता चुके थे. मैंने वहां पर फिक्स करी अपनी गलती और उन इंस्ट्रक्टर ने कहा योर लाइसेंस इज क्लियर, योर पास टुडे. एंड आई वॉज लाइक सो हैप्पी. आप देखो संगत जी की गुरु जी कैसे किस फॉर्म में आ जाते हैं. एंड मैं घर गई, मैंने उन अंकल को कॉल किया, उनका नंबर नहीं मिला. मैंने उनको ईमेल किया, ईमेल बाउंस बैक हो गया. उन अंकल का मुझे आज तक कभी पता नहीं चला. सो बाद में मुझे पता चल गया कि इट वॉज अ फॉर्म ऑफ गुरु जी. वो आए थे मेरा टेस्ट क्लियर कराने, क्योंकि मैं बार बार गुरु जी को कह रही थी कि मुझे नहीं पता मैं गलती कहाँ करती हूँ, पर बार बार ये मेरा टेस्ट मुझे कैंसिल कर देते हैं. सो थैंक यू सो मच गुरु जी. एंड ऐसे चलता चला गया. एंड इन बिटवीन 2000 अराउंड 10 मैंने कंसीव किया. बट वी हैव टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों वी बोथ हैव अ ट्रेट ऑफ बीटा थैलेसीमिया. ये हमें बाद में पता चला. और इस उसमें यूजली बच्चे को या तो नहीं आता, थोड़ा आता है या मेजर आता है, समथिंग देयर इज अ कॉम्बिनेशन. एंड उन दिनों अराउंड 2000, सॉरी मेरे को थोड़ा डेट नहीं याद रहती, अराउंड 2010 के आसपास जब मैंने कंसीव किया हुआ था, अर्ली स्टेजेस थी, हमें पता नहीं था. तो हमने सोचा कि हम कहीं घूम के आते हैं. एंड मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो हम सियाटल चलते हैं. एंड मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ओ सियाटल चलते हैं तो हम वहां पर MP अंकल और उषा आंटी को कॉल करते हैं, वो तो वहां रहते हैं. तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड गुरुजी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वो गुरुजी से मिले हैं 2005 में, बट ऐसा उनको सत्संग और संगत का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पता था.
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे किसी के यहाँ नहीं रुकेंगे, वो भी संगत के, हमें क्या पता वो कौन है एंड ऑल दोस्ट. तो मैंने कहा नहीं, हम उनसे बात करते हैं. एंड संगत जी मुझे, हम दोनों को इतने प्यार से अपने बच्चों की तरह, एमपी अंकल ने, उषा आंटी ने अपने यहाँ रखा घर में, हमारा पूरा ट्रिप उन्होंने प्लान किया. एंड माई हस्बैंड वॉज सो हैप्पी. उन्होंने कहा कि संगत, ऐसी संगत, इतनी फैमिली जैसी, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक माय हस्बैंड वाज सो हैप्पी एंड ही स्टार्टेड कनेक्टिंग टू संगत, कि तुम्हारी संगत तो इतना प्यार देती है, फैमिली से भी ज्यादा केयरिंग करती है. सो मैं गुरु जी से हमेशा ही कहती थी कि मेरे हस्बैंड को भी अपने साथ जोड़ो, संगत के साथ जोड़ो. एंड That's when गुरुजी ने जोड़ा. और जब, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने वहाँ सियाटल संगत में उषा आंटी के यहाँ सत्संग किया. एंड व्हेन आई केम बैक, तो हमें, मुझे अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ी. थोड़ा सा मन में था कि गुरुजी ये तो आप चेंज करा सकते थे, मतलब आपको सब पता है. बट गुरुजी ने मेरी मम्मी को ड्रीम्स में दिखाया और दूसरी संगत से भी बुलवाया कि जब ऐसा होता है तो वो हमारे भी कष्ट काटते हैं और बच्चे के भी कष्ट काटते हैं. सो आई वाज रिलैक्स्ड. मुझे इतना नहीं था जितना मेरी माय मॉम पार्ला आंटी वाज वेरी, वो थोड़ा हो गई थी कि ऐसा गुरुजी आपने क्यों किया. बट देन आफ्टर दैट मुझे था कि अब मैं कभी नहीं ट्राई करूंगी. अगर बच्चे से ही फैमिली का मेन होता है तो मैं अडॉप्ट करूंगी, बट मैं अब दोबारा नहीं करूंगी. बट गुरु जी की तो मर्जी बिल्कुल, उनकी मर्जी अलग होती है, उनकी लीला अलग होती है. एंड आई अगेन कंसीव्ड इन लेट 2012, और टुडे आई एम अ मॉम जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी. 2013 में गुरुजी ब्लेस्ड मी विद ब्यूटीफुल सन इन जनवरी. एंड जैसा भी कांटी ने सुनाया कि माय सन नेम इज आल्सो ईशान. एंड पूरी पूरी कृपा है गुरुजी की उस पे. डेफिनेटली गुरुजी की जो सोल्स होती हैं, दे आर वेरी ब्लेस्ड, दे आर वेरी डिफरेंट. वो शिपानियां करते हैं, बट ये गुरु जी की ब्लेस सोल्स होती हैं. एंड संगत जी, मेरा बेटा अब 7 ईयर्स का है और वो गुरबानी सुनते सुनते बड़ा हुआ है. जब भी वो रोता था तो हम गुरबानी ऑन करते थे गुरु जी की और वो चुप हो जाता था. एंड वी वर सो शॉक्ड कि वो गुरबानी सुन के चुप हो जाता है. एंड रिसेंटली जब वो बड़ा हुआ तो मेरे हस्बैंड और मैं थोड़ा सा, वी ईट नॉन वेज टू, बट रिसेंटली गुरुजी ने मेरा वो भी पूरा बंद करा दिया. बट माय सन इज टोटली वेजिटेरियन. एंड जब उसको समझ आई और उसको लगा कि हम खाते हैं, so my son started to question कि तुम ये क्यों खाते हो, you are a hunters, you eat all the animals and this and that. and उससे हमें थोड़ी और शर्म आई. and in this pandemic गुरुजी ने मेरा पूरा बंद करवा दिया. so thank you गुरुजी. timings गुरुजी ने set किए होते हैं. आप सबको पता है कि गुरुजी कुछ भी मना नहीं करते थे, like he gave us full आजादी. And no whams. किस दिन क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना, no whams. And पूरी आजादी उन्होंने दी हुई थी. But जब उन्होंने जो करवाना है, he knows the timings. So वो अपने timings पे वो काम करा लेते हैं. And then before around 2011, उससे पहले जब मैं अमेरिका में भी आई, तो मैं हमेशा गुरुजी को ये कहती थी कि गुरुजी आपने इतनी दूर भेज दिया कैलिफोर्निया, यहाँ पर पता नहीं किसी को आपके बारे में पता भी है कि नहीं, लोग जानते हैं कि नहीं, कैसे मैं
संगत से मिलूंगी, कैसे कनेक्ट होंगी, और आपने इतनी दूर मुझे भेज दिया। सो अराउंड 2011 गुरु पूर्णिमा के आसपास मुझे एक संगत का फोन आया कैलिफोर्निया से ही, एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मेरी लॉटरी निकल गई, कि कोई ऐसा है जिनको गुरु जी के बारे में पता है, वो भी कैलिफोर्निया में। एंड संगत जी, उस दिन से और आज के दिन हमारी यहाँ पर संगत इज लाइक मल्टीप्लाइड, इट्स ओवर 300, एंड आई एम सो हैप्पी। इतनी संगत बढ़ गई है कि हमारे घर छोटे पड़ गए। सो दिस इज ऑल गुरुजी'स ब्लेसिंग्स। एंड हम अपने घर में बीच में सत्संग करते हैं, लाइक आई डू सत्संग इन माय हाउस टू। तो हम यूजली चाय के साथ समोसा प्रसाद रखते हैं, एंड देन फॉलोड बाय लंगर प्रसाद। बट यूजली मैंने मंदिर में और जब गुरुजी के पास भी जाते कभी नहीं देखा कि चाय के साथ समोसा रखते हैं। तो ऐसी मेरी मम्मी ने कहा कि तुम चाय के साथ समोसा नहीं रखना, क्योंकि मंदिर में तो ऐसा नहीं होता। सो आई सेड ओके फाइन, एंड मैंने समोसा नहीं रखा। बट जिस दिन मेरे घर में सत्संग था, संगत जी, अब ये तो गुरु जी की मर्जी है, मेरे किचन के काउंटर पे गर्मा गर्म समोसे की ट्रे कोई रख गया, मुझे नहीं पता कहां से आई क्योंकि उस दिन गुरुजी ने समोसे खिलवाने थे कहीं ना कहीं मन में था कि ओहो मैं समोसे रख ही लेती, अच्छा नहीं लगता। एंड मुझे सेवादार अंकल ने पूछा कि आप तो कह रहे थे समोसे नहीं आएंगे। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पता, एंड इट वॉज सो डिलिशियस, गर्मा गर्म मेरे काउंटर के ऊपर पूरी ट्रे पड़ी हुई थी, एंड वो पूरी संगत में समोसे बट गए क्योंकि उस दिन गुरुजी ने समोसे खिलाने थे। आज तक नहीं पता कि वो समोसे कहाँ से आए। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें गुरुजी करते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। एंड जब भी मेरे घर में सत्संग होता है तो आई डू क्लीनिंग। गुरुजी इतनी सफाई करवाते हैं, मैं कभी दिवाली की भी इतनी सफाई नहीं करती जितनी गुरुजी का जब सत्संग होता है मेरे घर में। गुरुजी हर कोने से मेरे को सफाई करवाते हैं, एंड आई गेट टायर्ड टू। सत्संग शुरू होने से पहले 6 बजे हमारे यहाँ सत्संग शुरू होता है, और उससे 5 मिनट पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेंट हो जाऊंगी क्योंकि इतनी मैं थक चुकी होती हूँ सफाई कर करके। एंड एज सून एज सत्संग शुरू होता है 6 बजे, मेरे में फुल ऑन 100-200% एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा चलता चला गया। बट एक दिन मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी प्लीज इस बार सफाई इतनी मत करवाना, हाउस क्लीनर को बुला देना, क्योंकि जब जब मेरे घर में सत्संग होता है मेरी हाउस क्लीनर छुट्टी कर देती है और वो समहाउ नहीं आती और वो सारी सफाई मुझे करनी पड़ती है। बट इस बार मैंने गुरुजी को स्पेशल बोला कि प्लीज गुरुजी इस बार हाउस क्लीनर को बुला देना, इस बार बहुत काम है। एंड गुरुजी ने तो सुनी, बट मुझे सफाई तो करनी थी। मेरी हाउस क्लीनर आई, उसने सफाई करी। बट डे बिफोर जब मैं बैठ के सब कुछ सेट कर रही थी, गुरुजी का दरबार सजा रही थी, एंड आई सॉ देयर इज अ लाइन ऑफ एंट्स, चींटियों की लाइन एक कमरे से दूसरे कमरे आ रही थी, एंड आई वाज सो शॉक्ड ये कैसे हो गया। एंड मैं उस सफाई में दोबारा से लग गई। सो द थिंग इज, गुरुजी हमेशा मेरे से सफाई करवाते हैं, मेरे कष्ट दूर करवाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो इस तरीके से मेरे ठीक करते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी कृपा रखते हैं। एंड रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी आल्सो ब्लेस्ड अस विद वन मोर हाउस हियर इन कैलिफोर्निया। 2009 में गुरुजी ने मेरे को हाउस ब्लेस किया था, एंड देन अगेन इन 2020। हाउस हंटिंग का हमने नहीं सोचा था 2020 में, क्योंकि कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से हमें लगता था कि मे बी दिस इज नॉट अ राइट टाइम। बट देन सोचा कि मे बी इट्स अ राइट टाइम क्योंकि ज्यादा लोग घर नहीं देख रहे होंगे, तो हम आराम से घर देख सकते हैं।
बट एक्चुअली संगा जी, इट वॉज वेरी ऑपोजिट थिंग, इट वॉज क्रेजी. वी गॉट वेरी ओवरवेलम्ड, रोलर कोस्टर राइड थी. मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, अगर आपने इस पेंडेमिक में घर दिलाना है तो आप ही अपनी कृपा रखना, यू नो द वे. एंड संगा जी, इट वॉज नॉट अ ईजी राइड. गुरु जी ने पूरा लेमन की तरह स्क्वीज कर दिया एंड फाइनली वी लैंडेड इन अनदर ब्यूटिफुल हाउस. एंड द फर्स्ट थिंग, मेरे पापा, पाल अंकल इज हेयर इन कैलिफोर्निया टू, मेरे पापा ने फर्स्ट थिंग ये बोली कि आपका घर का व्यू उषा आंटी के घर के व्यू जैसा लगता है. सो आई वॉज लाइक, थैंक यू गुरु जी. वो हमेशा मेरे पापा के मन में था कि वो व्यू मुझे चाहिए, एंड गुरु जी ने वो करवाया. सो ही नोज, दिस इज वेरी, आई थिंक दिस इज वेरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स संगत जी, बट गुरु जी को पता है कब क्या करना है. डेफिनेटली अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट अपनी कृपा रखते हैं. मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ होती हैं, गुरु जी ब्लेस मी विद अ लोटा. एंड बिफोर ये घर लेने से पहले गुरु जी गेव मी अ दर्शन. There was somebody in front of Guruji. मैं Guruji के दर्शन नहीं कर पा रही थी, तो Guruji ने उनको हटाया अपने आगे से और कहा कि मेरे को दर्शन करने दो. And I know कि there was so many problems जब हम अपना घर अभी देख रहे थे, और वो सारी problems Guruji हटा रहे थे. And again Guruji gave me a दर्शन recently, जिसमें Guruji ने कहा कि तेनु की चाहिए, मंग जो मंगना है. एंड संगत जी, मैंने गुरु जी को कहा कि मुझे सिर्फ आप चाहिए हो, और आप दोबारा सबकी गद्दी में आ जाओ. इट्स आई नो कि यू आर ओमनी प्रेजेंट, बट वो जो दोस डेज वर जब आप अपनी गद्दी पे बैठे होते थे, सो आई रियली मिस दैट.